Good afternoon, dear student. How are you all? I am good here. I am hoping you are good and your family, with your family, you are safe with your family. So, as you know that day before two days before we have studied about that the properties of the periodic table and classification of the elements and kitne scientists and how many scientists came to classify the all the elements and how, what was the way of classifications, कौन कौन उसमें से सक्सेसफुल हुए, कौन कौन कहाँ तक पहुंचे. जैसे हमने डॉब्रिनर आए, उसके बाद न्यूलैंड, फिर बेंडलीज, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, राइट. तो आज हम उसके आगे का बताते हैं कि आपको उसके आगे क्या करना है और आगे आपके टॉपिक्स में क्या क्या दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं पूरे लेसन को एक बार समराइज कर दूंगा. इज दैट क्लियर? सो दैट इन दैट वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक टूडे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सपोज कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इफ सोडियम हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11, तो उसके 11 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल्स में रहेंगे या कौन से शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट डिफाइंस. इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम में, एटम के अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, राइट. जैसे यहां पे शेल्स बने हुए हैं, तो हर एक शेल्स में किसी भी एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इज दैट क्लियर? जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जो नेम लिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट. अब हम देखेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से सेल्स में क्या हो रहे हैं, एड हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टडी. शेल्स जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, के एल एम एन, जो हमने पढ़ लिया पहले से, राइट. प्रीवियस स्टैंडर्ड में वी नो दैट, 9th स्टैंडर्ड में भी ये दिया गया, 8th स्टैंडर्ड में भी था कि व्हाट अबाउट दी, व्हाट इज दी सेल्स, राइट, एंड व्हाट इज देयर स्पेसिफिक फीचर्स. के में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, एल में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, एम में मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं और एन में मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 32. मतलब यह है कि के एल एम एन इज द हाउस फॉर द इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉनों के लिए हाउस जैसा है, एक घर है, कि एक घर में कितने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, राइट. जैसे के है वो उसमें सिर्फ 2 ही मेंबर रह सकते हैं, एल में 8 मेंबर, एम में 18, एन में 32, ऐसे. तो उस हिसाब से, साइज के हिसाब से घर बना हुआ है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज शेल्स फॉर द एलिमेंट्स. इज दैट क्लियर? तो अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के में भले ही 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं पर हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितना, सिर्फ 1 ही है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ओनली 1, राइट. अब हीलियम की जो एटॉमिक नंबर हीलियम का वो कितना है, 2. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम के में 2 लोग को रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, राइट. लिथियम के पास कितने होते हैं, 3. तो 3 में 2 को तो हम के में रख सकते हैं. अब बचा 1, तो 1 दूसरे घर में चला जाएगा, किसमें, एल, राइट, दूसरे शेल्स में जाएगा. बेरिलियम के पास कितने हैं, 4. तो यहाँ पे 2 और बाकी 2 बचा, तो दूसरे में हम 2 डाल देंगे, क्योंकि जो दूसरा शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. तो अभी तो 1 ही 2 ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 3, राइट. और यहाँ पे क्या है, 2 एंड 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 7. क्यों? क्योंकि हम इसमें 8 तक फिल कर सकते हैं. कहां तक, 8 तक फिल कर सकते हैं, राइट, क्लियर है यहां तक. अब 2 7 जो है वो कितना है, फ्लोरीन का है, 2 7 हो गया फ्लोरीन का. फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन. क्या आता है, नियॉन. तो नियॉन के लिए चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. जैसे अगर नियॉन की बात करें, यहाँ पे ये समझ में आया आप लोगों को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, फ्लोरीन. तो यहाँ पे उस हिसाब से शेल्स के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल्स में जा रहे हैं, राइट. अब देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन. तो उनकी टेंडेंसी भी देख लेते हैं,
इनमें हुए बदलाव जो चेंजेस हैं वो भी देखेंगे, कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके, राइट। तो फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, राइट। तो नियॉन कितना होता है 10, सोडियम आता है 11, मैग्नीशियम आता है 12, राइट। तो देखते हैं जैसे सोडियम यहाँ पे नियॉन है, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, राइट। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे 8 हो गया, राइट। अब अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने होते हैं 11, तो 2 यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, अभी भी 10 है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा फिर, एन में, ये 11, 2 8 10 10 और 1 11, सेम यहाँ पे 2 8 10 10 और 2 12, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स, जो भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, और कहां पे करेंगे, उनके रिस्पेक्टिंग जो है वहां पे शेल्स है उनमें करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं, सो दिस इज ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करेंगे अब पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि हमने पीरियोडिक टेबल बना लिया, अब पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है, समझना है कि ये प्रॉपर्टीज आखिर क्या होती है। इज दैट क्लियर, राइट। तो पीरियोडिक ट्रेंड में पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या होती है, वैलेंसी। अब देखते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमें, वी नो बेटर दैट दी एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वैलेंसी शो करते हैं, कैसे भी वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो डोनेट करें, चाहे वो रिसीव करें, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, दे आर गोइंग टू शो दी वैलेंसीज ऑफ देयर एलिमेंट्स, राइट। इज दैट क्लियर, जितने भी एलिमेंट्स तो सबके सब अपने क्या करते हैं, वैलेंसी को शो करते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे, वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर शेयरिंग कर रहा है, राइट। वेदर इज गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और रिसीव इलेक्ट्रॉन और गोइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू डोनेट, रिसीव और शेयर इज कॉल्ड वैलेंसी, राइट। किसी भी एलिमेंट द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कितने लिए जा रहे हैं, या कितना शेयर किया जा रहा है, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दूसरे एलिमेंट से, राइट, उसे ही उसका हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इज दैट क्लियर। तो वैलेंसी को देखते हैं हम कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी हमने देखा डेफिनेशन क्या, व्हाट इज दी वैलेंसी, वैलेंसी इज दैट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और रिसीव्ड और शेयर्ड बाय दी एलिमेंट्स इज कॉल्ड दी वैलेंसी, राइट। अब वैलेंसी को देखते हैं हम ग्रुप में और पीरियड में। हमें इन सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को दो ही चीज में डिफाइन करना है, किसमें, ग्रुप में और पीरियड में, ग्रुप एंड पीरियड्स। तो वैलेंसी जो होती है ग्रुप में जो होती है वो सेम होती है। ग्रुप में वैलेंसी सेम इसलिए होती है क्योंकि एक ग्रुप में सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सेम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, राइट। वैलेंसी किसी भी ग्रुप की सेम होती है। जैसे अगर हैलोजन ग्रुप की बात कर लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब जो है, ये सब के सब -1 शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोशन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 को सिर्फ एक ही चाहिए 8 बनने में, इसलिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, राइट। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट, इनकी भी वैलेंसी +1 ही है, सबकी +1 है, क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, और ये एक ग्रुप में भी आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, सारे एलिमेंट्स की सेम होती है, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे ऑल आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, राइट। पर पीरियड्स में क्या होते हैं, पीरियड में वैलेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है एट अ सर्टेन लेवल, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज करती है, राइट। इंक्रीज एट +3 एंड आफ्टर डिक्रीज, राइट, +3 तक ये इंक्रीज करती है, उसके बाद क्या होती है, ये डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे आप देखो लिथियम, यहां पे मैं करता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, राइट।
तो ये है एक पीरियड, क्या ये पीरियड, पीरियड नंबर सेकंड। सेकंड पीरियड के ये क्या है एलिमेंट्स है सब लिथियम से जो स्टार्ट होते हैं, तो लिथियम जो है वो प्लस वन डोनेट करता है राइट, बेरिलियम प्लस टू, ये प्लस थ्री। अब कार्बन को आपको पता है कि ये ना तो डोनेट करता है ना रिसीव करता है राइट, तो ये प्लस माइनस फोर, ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस फोर, क्योंकि ये मैंने क्या बताया कि वैलेंसी जो होती है पीरियड में क्या करती है इंक्रीज करती है प्लस थ्री आफ्टर द डिक्रीजेस, इसका क्लियर, उसके बाद ये क्या करती है डिक्रीज करती है। तो ये है यहाँ पे क्या है ये पीरियड है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है फ्लोरीन। तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से प्लस वन है इंक्रीज कर रही है प्लस टू हो गई, फिर इंक्रीज की प्लस थ्री हो गई, जैसे ही कार्बन की कंडीशन आई कार्बन आपको पता है ना तो देता है ना लेता है एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन राइट, तो यहाँ पे प्लस माइनस फोर हो गई। इसके बाद वैलेंसी डिक्रीज होना शुरू, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन राइट, तो ग्रुप में वैलेंसी जो वैलेंसी होती है वो ग्रुप में सेम होती है क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ग्रुप के एक मेंबर पहला ग्रुप का मेंबर जो है वो प्लस वन शो कर रहा है तो सभी के सभी प्लस वन शो करेंगे राइट। पर पीरियड की जब बात आती है व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स देन इट इंक्रीजेस एट अ सर्टेन लेवल एंड आफ्टर इट इट डिक्रीजेस राइट, एंड वी हैव सीन हियर, इज दैट क्लियर, ऑल क्लियर राइट। तो दिस वॉज अबाउट दी वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या थी, वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू रिसीव और टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इज कॉल्ड दी वैलेंसी। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो वैलेंसी क्लियर हो गई, एटॉमिक साइज की बात करते हैं हम। पहले तो हम ये देखेंगे एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या होता है, तो एटॉमिक साइज मतलब ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू दी आउटर मोस्ट सेल, एक एटम है जैसे यहां पे एक एटम मैंने बना दिया, ये इसका क्या है सेंटर है, तो सेंटर से लेकर ये बाहर आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम एटॉमिक साइज, क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज, क्लियर है। मतलब ये कि एटॉमिक साइज का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट शेल, एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक कितनी दूरी है डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं एटॉमिक साइज, और उसी एटॉमिक साइज को हमें ग्रुप और पीरियड में क्या करना है बताना है, क्लियर है ना, ओके। तो एटॉमिक साइज जो होती है वो ग्रुप में इंक्रीज करती है और पीरियड में क्या करती है डिक्रीज करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ग्रुप में क्या करती है ये इंक्रीज करती है और पीरियड में क्या करती है डिक्रीज करती है, क्यों उसका रीजन है, क्योंकि ग्रुप में जो होते हैं ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स एडेड, और पीरियड में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। कैसे मैं आपको बताता हूं, अभी ग्रुप में आप बात करो तो ऊपर देखो एक एक मैं ग्रुप लेता हूं यहां पे हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है वन, लिथियम का कितना है थ्री, इनका कितना है इलेवन राइट, तो हाइड्रोजन एक ही ग्रुप के मेंबर है ना ये राइट, तो हाइड्रोजन के कितने शेल्स लग रहे हैं सिर्फ के एक ही शेल लग रहा है, लिथियम में के और एल भी लग रहा है और सोडियम में के एल और एम तीन शेल, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप में ये ग्रुप है राइट, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है शेल्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही शेल है यहाँ पे दो शेल्स हो गए और यहाँ पे कितने शेल्स हो गए तीन शेल्स राइट। तो जब शेल्स बढ़ते हैं तो इनका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ता है, इज दैट क्लियर, सेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज जो होगी वो क्या होगी इंक्रीज करेगी, इज दैट क्लियर। सेकंड पॉइंट आती है यहाँ पे क्या पीरियड्स, पीरियड में क्या करता है ये डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है तो मैं एक पीरियड को यहाँ पे लिखता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे पीरियड स्टार्ट होता है किसमें लिथियम से बेरिलियम बोरॉन एंड कार्बन, लिथियम के पास कितने होते हैं तीन, इसके बाद चार पांच और छह राइट। अब लिथियम में क्या होता है इनकी जो शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं टू एंड वन, इनका टू एंड टू, इनका टू एंड थ्री, इनका टू एंड फोर। अब आप ध्यान से देखो कि ये के शेल है और ये क्या है एल शेल, ठीक है। तो पीरियड में
पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। देखो ध्यान से, शेल्स वही है, एक ये एक पीरियड